हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ जी एंटवर्पन का बहुत ज़बरदस्त बच्चों का पार्क है। वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था, दिन में थोड़ी गर्मी रही है लेकिन इस टाइम बड़ा क्लाउडी हो रहा है, तो मैंने कहा जी आपको दिखाऊँ कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें, अभी मैं आपको पूरे पार्क का विज़िट कराऊँगी। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ झूले लगे हुए हैं, आगे यहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं। मैं पूरे पार्क का आपको साथ साथ विज़िट कराती हूँ, साथ साथ यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो वेदर एंजॉय कर रहे हैं। हेलो जी, तो ये देखें, ये दरमियान में एक पॉन्ड सा बना हुआ है जहाँ जो है सारी डक्स वगैरह फिर रही हैं, लोग साइडों पे बैठे हुए हैं, फ्लोर नैपकिन जो है वो बिछा के बैठे हुए हैं। ये देखें बर्ड्स जो हैं ऊपर उड़ रहे हैं, कितना मज़े का पीसफुल सा, मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। यहाँ जी आइसक्रीम वाला खड़ा है पार्क में, बच्चों को आइसक्रीम का बड़ा होता है, लोग गर्मियों में नीचे चादरें बिछा के समर एंजॉय कर रहे हैं। आज शुक्र है कि हवा में वो जो समर इफेक्ट है वो नहीं है, गर्मी नहीं है इतनी। आज वेदर थोड़ा सा कूल है। देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ के पार्क हैं, एक साइड पे बच्चों के लिए स्विंग्स लगी हुई हैं, फिर ये वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, यहाँ की मैंने कंपैरेटिवली पार्क्स देखी, यहाँ ग्रीनरी बहुत थे। और बार्सिलोना में ये है कि बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स पे, हर बिल्डिंग के कॉर्नर्स पे छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं ताकि लोग बाहर निकल के बैठें। यहाँ बड़े बड़े पार्क हैं, ग्रीनरी बहुत है। देखिए कितने ज़बरदस्त वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, पार्क के बहुत से हिस्से हैं। मैंने कहा मैं खुद भी वॉक कर रही हूँ, आपको भी दिखाऊं। यहाँ ये साथ अपने डॉग्स को भी, ये जी हम ब्रिज पे आए हैं, ये ब्रिज है ज़बरदस्त ब्रिज का, लोग छोटी सी कैनाल सी बनी हुई है पार्क के चारों तरफ, लोग आसपास बैठे हुए हैं। देखिए ये दूसरी साइड में आपको ब्रिज के दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त है, कितना पीसफुल सी जगह है, यहाँ बैठने के लिए लोगों के बने हुए हैं ताकि वॉक करके रेस्ट कर सकें। ये देखिए लोग भी हम समर एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। ये डक्स पानी में है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये देखिए डक्स जो हैं ये पानी के अंदर हैं,
ये भी पानी को एंजॉय कर रही हैं। साइडों पे लोगों ने गाड़ियां खड़ी करके इधर आके मैट लेके आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रही है, ये देखिए ज़बरदस्त व्यू। बहुत बड़े एरिए पे ये छोटी सी कैनाल टाइप है, ये पॉन्ड है, लेकिन चारों तरफ से ये लोग वॉक कर रहे हैं। कुछ लोग बच्चों को कुछ चेयर में लेके घूम रहे हैं। पत्थरों से यहाँ सिटिंग एरिया बना हुआ है। एक साइड पे सामने जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का फन हो रहा है। ये देखिए ये पार्क की एंट्रेंस है, एक पास जाते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ आते हैं। यहाँ एक और बात जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जिस चीज़ ने, वो ये है कि पार्क्स के अंदर भी आपको कैफ़े बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ ग्रैंड कैफ़े है, कैपिटल ग्रैंड कैफ़े है, ज़बरदस्त बना हुआ है। देखें इतना बहुत बड़े एरिए पे ये जो पार्क है, ये एंटवर्पन का बहुत बड़ा एरिया। एक साइड पे क्रिकेट चल रही थी, दूसरी साइड पे अब ये रैकेट्स के साथ खेल रहे हैं लोग। ये वही बच्चों का प्ले एरिया है, हम सारी तरफ से होके अब इधर आए हैं। यहाँ ये स्केटिंग चल रही है, छोटे बड़े सब बच्चे यहाँ स्केटिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ ट्रैक्स बने हुए हैं। ये देखिए, इसलिए इस पार्क में हर किस्म का फन हो रहा है, बच्चे यहाँ आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त। छोटे बड़े सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए छोटी सी बच्ची जो है ये भी प्ले कर रही है। ज़बरदस्त, हाँ ज़बरदस्त। ग्रीनरी बहुत है इस पार्क में, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है हर एज के बच्चों के, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए। यहाँ फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है एंटवर्पन गवर्नमेंट ने। जी पार्क से जाने का टाइम हो रहा है अब घर की तरफ, क्योंकि 8 बज चुके हैं, रात कह लें या शाम कह लें। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है, हर एज के लोग जो हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, पार्क को बच्चे यहाँ फन कर रहे हैं। ये देखें कितने ज़्यादा परिंदे जो हैं वो पानी के ऊपर आके बैठ रहे हैं। ये देखो,
जबरदस्त। वो डक्स जो हैं पानी में चली गई हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैंने जो है वो चेंज किया है, जो फॉर्मेट है वो सारा चेंज किया है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मुझे और मोटिवेट करेगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना और लगाना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ दिनों बाद मेरी फ़्लाइट है बार्सिलोना के लिए, फिर आपको बार्सिलोना से कंटिन्यू करूँगी। तो बस अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।